असलम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? AFNS के इंटर्स की कॉल आनी स्टार्ट हो चुकी हैं और सिंध में स्टूडेंट्स को कॉल आनी है, तो हमने सिंध में से एक स्टूडेंट को सेट किया है और अभी हम उसे कॉल करने लगे हैं, राइट। और उसका इंटरव्यू है 8 दिसंबर को और आज हो रही है 6 दिसंबर, तो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। और लाहौर वालों को बाकी के कॉल भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, परेशान हो जाएगा। आवाज़ थोड़ी मेरी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि माइक के बगैर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सबको बेहतर आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं बेटा? आप ठीक ठाक हैं? जी सर, आप ठीक हैं? बस ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है सर कार से बात करते हुए आज? सर यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा, आपका नंबर बहुत ढूंढा, उसके बाद जाके मिला है। जो कीमती चीज़ें होती हैं ना, वो मुश्किल से मिलती हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कमी भी देगा। और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरी बेटियाँ सेलेक्ट होती हैं, तो जब आप यूनिफॉर्म में आओगे ना मेरे सामने, या यूनिफॉर्म में आपकी पिक्चर देखूंगा, तो उस दिन आप समझ लेना कि सर को एक ड्रिप लग गई ग्लूकोज की, ताकत मिल गई सर को। इंशाल्लाह। और बेटा आपके सेल से बहुत लोग, क्योंकि सुबह से कॉल से SMS आ रहे थे, लेकिन आपके SMS ने मुझे हिला दिया। जिस तरीके से आपने SMS किया, वो SMS करने का तरीका बड़ा सही था। मुझे काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं सही देते, आप हमारे SMS का रिप्लाई नहीं करते, उनके SMS करने का तरीका नहीं सही होता। अब आपने जब SMS किया तो आपने लिखा है मैसेज से हूँ, ये इस तरह कॉल आ गई, ये वो सब चीज़ें, फिर आपने लिखा तो मुझे उसी ने मैंने समझ लिया इस चीज़ को। अच्छा गुड़िया, पहले ये बताओ कि आप किस दिन इंटरव्यू बेटा? किस दिन इंटरव्यू बेटा? सर मेरा ना 9 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को बेटा? 8 दिसंबर को है, 9 को है। यहाँ से जाना होगा, सही से 9 तारीख को है इंटरव्यू आपका, तो इंटरव्यू लेने के लिए आप रेडी हैं? दूँ आपका इंटरव्यू बेटा? आर यू रेडी? ये मॉक इंटरव्यू है, मैं आपका आज भी इंटरव्यू लूंगा, कल भी इंटरव्यू लूंगा, परसों भी इंटरव्यू लूंगा, और जब आप सफर में होंगी जब भी मैं आपको लास्ट ट्रिक बताऊंगा और इंशाल्लाह आप रिकमेंड होंगी। और बिरयानी बना लेती है बेटा? बिरयानी बना लेती हैं? बस ठीक है, बिरयानी लेके आनी है मेरे लिए, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बेटा अपनी जगह, अपनी जगह चेंज करें, जगह चेंज करें, कराची के एरिए में सिग्नल्स का इशू बन जाता है, लॉबी बनता है, जगह चेंज करें, घर से बाहर निकलें, सीन की तरफ आ जाएं, छत की तरफ आ जाएं। अब बेहतर हुआ बेटा? आप पहले जगह जगह चेंज करें बेटा। नहीं जगह, वो बिरयानी की बात छोड़े, आप इंटरव्यू पे आते हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जगह अपनी चेंज करें बेटा, जगह अपनी चेंज करें ताकि सिग्नल सही आए बेटा। आवाज से कट रही है आपकी, अब आ रही आवाज सही? जी सर। अब बेहतर आवाज? अब बेटा आवाज सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज फिर कट रही है, आवाज आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, आवाज कट रही है, मैं इंटरव्यू लेने लगा हूँ आपका। आपको अभी तक मेरी बिरयानी वाली बात ही समझ आई है? जी सर। अब ले लो इंटरव्यू आपका बेटा, आप इंटरव्यू ले लो बेटा। जी। टाइम बड़ा शॉर्ट होता है बेटा हमारे पास, बड़ा कीमती टाइम है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आपने AFNS में अप्लाई क्यों किया है? आप एयरफोर्स और आर्मी नेवी में तो अप्लाई कर सकती थी। गुड़िया सिग्नल कट रहे हैं ना, एक बार दोबारा डायल करके देखते हैं कॉल, चलने दें रिकॉर्डिंग, कोई ऐसा नहीं है, एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है? अगर नहीं होती तो फिर ऐसी बात है, मैंने रिकॉर्ड करेंगे कल, ठीक है, वरना आपको बताएंगे, लेकिन इतनी गुड न्यूज़ तो होनी चाहिए आपको कि कॉल आने स्टार्ट हो गई।
सिंगल्स का इशू बन रहा है बार बार राइट, और जिसकी वजह से टॉर्चर हो रही है। तो अभी ये आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको देता हूँ ठीक है। वो ट्रिक सिंपल सा है कि ए एफ एनएस की कॉल आनी शुरू हो चुकी है, इंटरव्यू की तैयारी करें आप राइट, और यूट्यूब पे जाकर सर्च करें ए एफ एनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन सर वकार भी, आपको वीडियोस मिलेंगी। और कल से मेरी वीडियो ए एफ एनएस इंटरव्यू की रोजाना अपलोड होगी, कल भी अपलोड होगी, परसों भी, और 5 या 10 दिन तक मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास मेरे नंबर नहीं है, जो मेरे से रब्ता नहीं कर सकते गर्ल्स, सारी की सारी रेकमेंड हो, यूनिफॉर्म को हासिल करें, अपने मुकाम तक पहुंचे। तो देखते रहे चैनल सरकार में, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।